Everybody, welcome back to our another IELTS speaking video, part three questions. And today I'd like to talk about the cue card that is describe a mistake that you made. So there are questions, part three questions that are also called follow up questions related to this cue card. So let's see the first question. And before starting this video, let me tell everybody that I'll also explain in Hindi so that everybody understands very clearly. So please take also notes if you find any vocabulary, phrases, or language useful. So let's see the first question What can we learn from our mistakes? The children themselves might not like the idea because they keep on making mistakes whereas from the viewpoint of teachers every mistake is a lesson for us that being said i loath when somebody corrects me to be honest i don't know why kasi sakta hamlog apni mistakes say first line here the children themselves बच्चे अपने आप में माइट नॉट लाइक द आइडिया हो सकता है बच्चों को पसंद ना हो क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि जब भी वो गलती करते हैं सो so वो गलती से कुछ सीखें सो so बच्चों का काम है गलतियां करते रहना द चिल्ड्रन देम सेल्स माई नॉट लाइक द आइडिया बिकज द कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स कीप ऑन के साथ जब भी आपको वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है सो so हमेशा आई एन जी यूज़ करेंगे आप कीप ऑन का मतलब है करते रहना कीप ऑन आई एन जी मीन्स करते रहना जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ आई कीप ऑन अपलोडिंग वेरियर्स जैसे अगर आप कहें सर मैं आपकी वीरियोज देखता रहता हूँ या देखती रहती हूँ आई कीप ऑन वॉचिंग योर वेरियर्स द कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स वो गलतियाँ करते रहते हैं ओके वेयर एज वेयर एज जब आपको दूसरी तरफ बात करनी हो कंट्रास्ट की बात करनी हो सो देन यू से वेयर एज वेयर एज मीन्स दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टीचर्स टीचर्स के व्यू पॉइंट से अगर इसको देखें एवरी मिस्टेक हर मिस्टेक इज अ लेसन फॉर एस येस इट इज ऑल्सो थ्रू देयर एवरी मिस्टेक इज अ लेसन फॉर एस इफ यू मेक एनी मिस्टेक बिग इज ह्यूम्स मेक एरर्स ह्यूमन्स मेक मिस्टेक्स इवन आई ऑल्सो मेक मिस्टेक्स एंड आई ऑल्सो लर्न फ्रॉमेक्स ओके एवरी मिस्टेक इज ए लेसन फॉर अस दैट बींग सैड बट की जगह पर काफी मैं अपनी विडियोज में यूज करता हूँ और मैं जान बुझ के जान बुझ के बार 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 यूज कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए और जब आप वेन यू गो टू टेक योर थेस्ट सो आप दैट बींग सैड बट की जगह पर यूज कर पाएं आई लुवैफ जब भी आपको बोलना है आई डोंट लाइक एक तो आई डोंट लाइक सिंपली बोल सकते हैं आई डोंट लाइक लेकिन जब आप कहते हैं आई लोएथ वर्ब की फॉर्म है लोएथ एल ओ एच ई लोएथ का मतलब होता है नफरत करना hate. I loath, मतलब मैं पसंद नहीं करता हूं मैं नफरत करता हूं वैन समी क्रैक्स मी ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि अगर मान के चलिए अगर आपने कोई गलती की है और अगर आपको कोई बोल रहा है हे, ये आपकी गलती है It's a mistake, and you say, Yeah, I know that, you know, yeah, I know that that's my mistake, but what else I can do? So, jab aap log bolte hai, aapko hai, when you don't lie, okay? you know, so then you say, I loathe when somebody corrects me, when I correct me, then i not to be to be honest, I don't know why, but kyun, I human nature. Do children make mistakes easily? In a word, yes. They do. Mind you, I reckon if you start dictating to teenagers, then they'd rebel and misbehave. At once, they might become rebellious and challenging for parents. So, if children make mistakes, we should be easygoing. In a word, yes. थर्ड पार्ट में कई बार ऐसा होता है कि आपको एकदम से इवन फर्स्ट पार्ट में भी कई बार एकदम से आपको यस yes बोलना है या नो no बोलना है सिंपल यस yes या नो no नहीं बोलना चाहिए उससे आगे जरूर कुछ ना कुछ आपको ऐड करना चाहिए जैसे यहां पर इन अ वर्ड यस एकदम से इन अ वर्ड यस एक शब्द में कहूं तो हां नो no भी हो सकता है इन अ वर्ड नो इन अ वर्ड यस दे डू करते हैं माइंड माइंड यू डिस्कोर्स मारकर है बट की जगह पर यूज कर रहा हूं दोबारा बोलूंगा बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप भी इनको बार बार यह आसानी से अपनी आयल स्पीकिंग टेस्ट में यूज कर पाए माइंड यू बट आई रैकिन आई थिंक की जगह पर मैं यूज कर रहा हूं आई रैकिन आई थिंक नहीं यूज करना चाहिए अगर आपको सेवन प्लस पैन स्कोर चाहिए इफ यू वॉन्ट स्कोर सेवन प्लस देन प्लीज स्टार्ट यूजिंग आई रैकिन आई इमेजिन आई बिलीव स्टॉप साइंग आई थिंक आई थिंक इफ यू स्टार्ट डिक्टेटिंग डिकटेट मीन्स अगर आप उनकी गलतियां बताने लग जाएंगे कि अच्छा ये गलती वहां की है ये तुम गलत कर रहे हो टू टीन एजर्स देन देड दे वुड की कंट्रैक्शन है देड दे बोलना हो दे वु गो दैसे आई वुड आइड आइड शी वुड वे वुड वेड दे वुड वर्ब की फॉर्म है एंड इट इज रियली एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग रिबेल बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ब की फॉर्म है बहुत ही अच्छा वर्ड है रिबेल का मतलब होता है जब आप किसी को मना कर देते हैं खास तौर पे बच्चों को जब आपने मना कर दिया कि आफ्टर एट ओ क्लॉक यूर नॉर अल्लामान टाइम टू स्लीप ना पढ़ते आफ्टर एट ओ क्लॉक ओके सो आफ्टर एट अफ वॉक क्या मेरे पेरेंट्स चाहते मैं सो जाऊं नो पंजाबी कहना कदे भी नहीं सो रिबेल मीन्स एक बार जिस चीज के लिए बना कर दे लेकिन उसके बाद तो करना ही करना है एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर अगर किसी को बोला जाए ये ये गली बंद है इस गली में से मत जाना सो so, जानबूझ के कुछ ऐसे लोग हैं जो रिबेल करते हैं अच्छा बंद है मना कर रहे हो जाऊँगा जाऊँगा दे रिबेल एंड मिसबिहेव मिसबिहेव भी करते हैं एट वंस जब भी बोल रहा हूँ एकदम से एकदम से एट वंस द माइट माइट शायद द माइट बिकम रिबैलियस रिबेलियस एजेक्टिव है मीनिंग सेम है रिपेल मीन्स रिबेलियस हो जाएंगे जो चीज करने के लिए मना करोगे वही करेंगे एंड चैलेंजिंग और चैलेंजिंग कर देंगे हर चीज मतलब तहस नहस कर देंगे अगर पंजाबी चमा तब तो पचार लिया देंगे चैलेंजिंग फॉर पेरेंट्स सो इफ चिल्ड्रन मेक मिस्टेक्स We should be easygoing. Agar you kardi, man kielo apnea iPhone 11 plus apne kharida hai, yeah iPhone 11 hai, tordi a kuibati. That's okay, that's fine. Huh? Depends. What should parents do if their children make mistakes? I'd say that they shouldn't be overbearing because teens have a reputation for being moody and sullen. I fervently believe that parents can help to raise polite and well mannered children. However, there is a risk that they might become spoiled brats. I'd say, I would keep contraction. Hai. I'd, I'd. Contraction use contraction. And you have और आई वेल में क्या फ़र्क होता है ज्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग में या बात करूँ नेटिव स्पीकर्स आई वुड यूज़ करते हैं क्योंकि आई वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म तब यूज होती है जब आप 50% परसेंट किसी चीज़ को करने के लिए बोलते हैं आई वुड से मीन्स श्योर नहीं है आई सो आई वुड की कंट्रैक्शन लेकिन जब आप हंड्रेड श्योर sure हैं जैसे अगर आपको लगता है मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूं सर आपकी वीडियोस देखने के बाद आई विल स्कोर सेवन पॉइंट फाइव आई विल स्कोर एट आई विल स्कोर नाइन लेकिन अगर आपको लगता है हाँ सर मैं मुझे लगता है मैं कर सकती हूं मैं करूंगी या मैं करूंगा I'd score स्कोर आई score 50% श्योर ओके sure, okay? 50% परसेंट पॉसिबिलिटी आई स्कोर सिक्स पॉइंट फाइव आई एड स्कोर सेवन पॉइंट फाइव आईट से दैट दे शुड भी ओवर बेयरिंग ओवर जो बिना वजह से डांटते रहना या रोबदार जिसको बोलते हैं यू नो रोब वाला यू नो उनको मतलब ऐसे नहीं मतलब तो तो बच्चों को धमकाना चाहिए बिकॉज़ ध्यान से देखिए प्लीज टीन्स हैव रेपुटेशन इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिए रेप्यूटेशन रेप्यूटेशन रेपुटेशन नो रेप्यू हल्का सा यू है रेप्यूटेशन रैप्यू Repu. किसी एक बच्चे ने आप कुछ की और आप उसको गुस्सा आ जाए वो नाराज हो जाए लेकिन वो अपने मूड में रहना चाहता है कुछ समय आपसे बात नहीं कर रहे हैं कुछ टाइम आपसे बात नहीं करेगा और उनकी भी रैपिटेशन है सो दिस सम अगर आप ज्यादा रोबदार हो जाते हैं so अगर बच्चा नाराज हो गया मीनस so दैर Because teens have a reputation for being moody and sullen. So, unke bhi reputation na, moody. Moody and sullen. Sullen is an another way of saying moody. Moody means, let's say that you say that, yeah, I'm moody, you know. Just say sa ne pucha ki, Hey, would you like to watch movie with me? And you say, Yeah, I'm moody, you know. See, that depends. I'm moody. Means jiska mood karega, to ho sakta kare, karega to nahi karega. Moody. Moody, right? And sullen. I frequently believe. Frequently means strongly. When he says strongly, I strongly believe. So instead of this, you can say I frequently believe that parents can help to raise polite. Means parents मदद कर सकते हैं जिससे कि बच्चा polite हो, polite जो प्यार से बात करे, जब भी कोई घर पे आए नमस्ते जी, ससिकाल जी, you know respect करे, polite and well mannered, proper मतलब manners आते हो। ऐसे हो सकता है कि पाउंच हुए और respect करे। Right, so well mannered children, however, fear bhi. However, on the other hand, however, there's a risk risk that they might become spoiled brats. Spoiled brats are children who actually, I mean, kind of a children, as say, but whatever like they wanted, they've got from their parents, whatever they wanted to do, they were allowed. means they were allowed in a childhood spoiled brats wo hote hain jinko pajjabish kanday chamblay hoye bachay you know chambla lende parents se jo cheez chahiye bas har cheez de jao de jao de jao and when they grow up ग्रो you know, when they, when जब वो बड़े हो जाते हैं सो देन दे बिकम स्पॉइल्ड ब्रैट फिर वो कुछ ऐसे काम करते हैं पेरेंट्स बोलते हैं पता नहीं ये ऐसा क्यों हो गया पता नहीं ऐसी क्यों हो गई है सो दिस मीन्स कहीं ना कहीं बोलते हैं ना मतलब पंजाबी के अंदर थोड़ी लाड़ प्यार ने बिगाड़े सो दे बिकम स्पॉइल्ड ब्रैट्स हाउ ड चिल्ड्रन बेनिफिट फ्राम यूजिंग डिक्शनरीज by and large it is actually a key part of the development process and is essential to make children learn new fancy words it can also help them in stem subjects even it's already happening so i wouldn't be surprised if i see any little one doing so by and large third section kill you perfect phrase hai. Because third section me, your general opinion pucha jata hai. So when you're asked, okay, so in the third section when you're asked your general opinion, when you're asked your opinion, so then you can start third section answer. By and large means generally. Am torpor. By and large, it is a overall means I can say. By and large, it is actually a key part of the development.

टास्क वर्ड में आप लिखते होंगे जैसे यू नो इट इज क्रिस्टल क्लियर इट इज इलस्ट्रेटेड सो ये फैंसी वर्ड्स होते हैं सो फैंसी वर्ड्स इट कैन ऑल्सो हेल्प देम इन स्टेम 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 सब्जेक्ट्स होते हैं एस स्टैंड फॉर साइंस टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग एंड एम स्टैंड फॉर मैथ इवन इट्स ऑलरेडी हैपनिंग मतलब हो रहा है बच्चे डिक्शनरी बहुत यूज करते हैं आजकल हर किसी के फोन में हर किसी के पॉकेट में डिक्शनरी है जब देखो बच्चों के पास फोन होता है सो इट्स हैपनिंग सो आई वुडन बी सरप्राइज मीन्स मैं यहाँ एग्जामिनर को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर अगर ऐसा मैं देखता भी हूँ कहीं कि बच्चे अगर डिक्शनरी यूज कर रहे हैं सो आई वुडन बी सरप्राइज वुडंट बी वुड नाट की कंट्रैक्शन है शॉर्ट फॉर्म है वुडंट बी वुड नॉट बी सरप्राइज कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा मैं हैरान नहीं होऊंगा इफ आई सी एनी लिटिल लिटिल वन वन मींस किड मींस बच्चा डूइंग यहां पर आप देख रहे हैं जी को मैंने अलग से लिखा हुआ है यह सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको बता दूं थोड़ा अलग से है इट्स अ बोनस प्रोनाशिएशन देखिए इसका आइलड स्पीकिंग से बहुत ज्यादा कोई ताल्लुक तो नहीं है लेकिन अगर आप पर्सनली इसको प्रोनाउंस करना चाहते हैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि कुछ नेटिव स्पीकर्स खास तौर पे जो अमेरिका के अंदर इंग्लिश बोली जाती है उसमें जी साइलेंट होती है जैसे डूंग डून जी साइलेंट कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी स्क्रीन पर जैसे ट्राइंग बोलना है ट्राइन ट्राइन जैसे मुझे बोलना हो कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं सर ऑन मैम मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं एम ट्राइन ट्राइन जी साइलेंट एम ट्राइन ट्राइन Going, going, G silent, going. They say what is going on? What's going on? Going on, going on, going on, going on, going on, going on. Asking, asking, asking. I'm asking you. I'm asking you. So this was something of bonus pronunciation. Yes, advanced. Native speakers, they speak in this way. Usually जी साइलेंट करते हैं ओके सो दिस वाज अवर टू डाइस वीडियो आज का वीडियो अगर पसंद आया सो प्लीज कमेंट जरूर करें और कमेंट कुछ इस तरीके का करें प्लीज सिर्फ थैंक्स सर या थैंक यू सर ना लिखें दिल से तीन चार लाइन जरूर लिखें राइट सो एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो ऑल आई आस्क यू लीव अ लाइक इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड इफ यू वॉन्ट्स टेक ऑनलाइन आल्स क्लासेस प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो